नमस्कार। आज हम आपके सामने आठवां वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे। सिंटैक्स का एक वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। अब ये उससे अगला वीडियो है, जिसमें कॉन्कॉर्ड और एग्रीमेंट के बारे में बता रहे हैं। इससे पहले हमने कॉन्कॉर्ड एग्रीमेंट के बारे में हिंदी में आपको बताया था। अब इसकी जो इंग्लिश की डेफिनेशन है वो इस तरह से है, बाय कॉन्कॉर्ड इज मीन्ट फॉर्मल एग्रीमेंट इन पर्सन नंबर जेंडर और टेंस बिटवीन टू और मोर पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है औपचारिक समझौता, किसमें, पर्सन व्यक्ति में, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, नंबर, नंबर में आते हैं सिंगुलर और प्लूरल, जेंडर, जेंडर में आते हैं मेल फीमेल और न्यूट्रल, और टेंस के अनुसार, बिटवीन टू और मोर पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, किसी सेंटेंस के दो या दो से अधिक भाग के अंदर हम पर्सन के अनुसार, नंबर के अनुसार, जेंडर के अनुसार और टेंस के अनुसार हम वर्ब का यूज करते हैं। एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट, यानी कि वर्ब का सब्जेक्ट के साथ किस तरह से समझौता होता है, किस प्रकार से हम वर्ब लगाते हैं, ये सब सिंटैक्स के अंदर आता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पहला नियम ये है कि द वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर, यानी कि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार, सिंगुलर है या प्लूरल है उसके हिसाब से होनी चाहिए, एंड पर्सन, और पर्सन के अनुसार होनी चाहिए, यानी पर्सन फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, अर्थात वर्ब का नंबर और पर्सन, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार होना चाहिए। इस प्रकार सिंगुलर पर्सन के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब प्रयोग करनी चाहिए। इसका सूत्र यह है कि सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। दोस्तों, इससे आगे का वीडियो के अंदर हम बताएंगे आपको कि किस प्रकार से सिंटैक्स का प्रयोग वाक्यों में करना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। कृपया करके मेरे वीडियो को देखें, देखने के बाद समझें, और जो कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके दें। जो आपको समझ में नहीं आया हो, मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा पूरी तरह से समझाने का। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।